हाई आई एम रीमा बोरा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बजूका। सब उसकी गलत संगत का। मनोज मैं यहाँ ये स्ट्रेस में हूँ कि मेरा और मानस का कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है और तुम मुझे ताने मार रहे हो। अच्छा तो कोई टेंशन वेंशन देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक होगा, वो है ना साथ में। हाँ भाई, कल मेरे पेशेंट में से खंडेलवाल का फोन आया था, उसकी फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके वेरिफिकेशन के लिए मुझे कॉल किया था। तुम ही क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि उसने उन लोगों को झूठ बोला था कि वो मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरा नाम यूज करके वो फंडिंग उठा रही है उनसे। पर मनोज तुमने मुझे ये बात कल क्यों नहीं बताई? अजंता कल घर में कितना कुछ चल रहा था, मेरे भी दिमाग से निकल गया। तुम प्लीज मानस को समझाओ, ये सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें और ये आशना का साथ छोड़े और यहाँ मौली के पास आ जाए। जो कुछ भी होगा पर डोंट फॉरगेट कि वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी, और जिस वेंचर के लिए आशना तुम्हारा नाम यूज कर रही है उसमें बराबर का पार्टनर हमारा बेटा, तुम्हारा बेटा भी है। तो फिर ये डील अपने बलबूते पे क्रैक करें ना दोनों, मेरा नाम यूज करने की क्या जरूरत है? अच्छा कल को अगर मौली को तुम्हारे पैसे या तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स की हेल्प पड़ी तो तुम उसे भी यही बोलोगे? अजंता प्लीज, मौली और आशना को कंपेयर भी मत करो। मौली जितनी सेल्फलेस है आशना उतनी ही ऑपरचुनिस्ट है। मौली जब से डॉक्टर बनी है उसने आज तक मुझसे पैसे नहीं लिए और ना ही मेरा नाम या मेरा रेफरेंस खुद के फायदे के लिए कभी भी यूज किया। वो बहुत ही खुददार और काबिल लड़की है, अपना रास्ता अपनी मेहनत से बनाती है। ओह दैट्स सुपर, मुंबई जाकर सबसे पहले तो मानस से मिला, उसका अपडेट और मेरी उससे बात करना। वेल अभी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मानस नहीं है घर में और अचानक जानकी ने कह दिया है अजंता को कि मानस को वापस बुलाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जानकी को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो अब क्या होता है और यहाँ पर मानस फ़ोन नहीं उठा रहा है और कहीं ना कहीं अजंता बहुत वर्ड है कि जो सच है मौली और मानस का वो सबके सामने ना आ जाए, बिकॉज शी वॉज़ द वन जिसने कहीं ना कहीं रोका हुआ है मौली को बोलने से सच, और वो नहीं आना चाहिए सबके सामने। तो यहाँ से भी अजंता फंस गई है, वहाँ से भी फंस गई है। वेल आने वाले एपिसोड में कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिल सकते हैं? हमारा तो पूरा शो ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है। अभी बहुत अच्छा एक ड्रामा आ रहा है कि वेजिटेरियन फैमिली में कोई तो अंडा लेकर आ जाता है और आप समझ सकते हैं कि एक वेजिटेरियन फैमिली जो होती है उसके लिए अंडा कैसे मतलब धर्म भ्रष्ट करने वाली बात हो जाती है। तो वही हुआ है और पूरा ब्लेम अजंता पे आ जाता है। ये हो जाता है यहाँ पर मानस से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ड्रामा हो रहा है घर में। ओके लास्टली अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी देखिए समझ आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो आप लोग प्लीज़ बर्ड्स के लिए एनिमल्स के लिए एक बोल में कहीं ना कहीं पानी रखिएगा ठंडा, आपके किचन मतलब आपके विंडो के बाहर हो या आपकी बालकनी में हो, टेरेस पे हो या कहीं रोड पे भी अगर आपको दिखे कोई प्यासा एनिमल तो प्लीज़ कैरी अ बॉटल एंड प्लीज़ कैरी समथिंग लाइक अ प्लास्टिक कंटेनर जिसमें आप पानी डाल के उनको फीड कर सके। और उसके अलावा तो ये एक्ट ऑफ काइंडनेस है, ये एक छोटी सी एक्ट ऑफ काइंडनेस आप लोग ज़रूर कीजिएगा। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करते रहिएगा रीमा वोरा और ऑफ कोर्स ढेर सारा प्यार देते रहिएगा जनता को।